सबसे पहले इस चैप्टर में एक कंसेप्ट है, आपने प्रीवियस क्लास में कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट किया होगा, ठीक है। ये सिमिलर वैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो कॉन्ग्रेंसी होती है और सिमिलैरिटी होती है, उसमें एक ही बेसिक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी में ये वाइडर कंसेप्ट है और ये नैरो कंसेप्ट है। इसमें दो चीजें होती है, साइज और शेप, दोनों सेम है। और इसमें सिर्फ शेप सेम होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, हमने ये भी किया हुआ है, आपने पहले आपने दो ट्रायंगल बनाए, आप ट्रिपल एस से, एस से एस से, ए एस से, ए एस से और आर एच एस से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हो, करते हो। इसमें क्या होता है, जैसे ये साइड 2 3 4 दे रखी है, तो ये भी 2 3 4 दे रखी होगी, साइड बिल्कुल सेम होगी। बिल्कुल सेम का मतलब क्या है कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, साइज भी सेम है 2 3 4 और शेप भी सेम है, तभी ओवरलैप करेंगे। तो इसका मतलब जब साइज और शेप दोनों सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रेंसी होती है, और उसके ये पर्टिकुलर रूल्स हैं। ऐसे ही इसके भी रूल्स हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ शेप सेम होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए, अब ये दोनों सर्कल जो है वो देखने में इनकी शेप सेम है, लेकिन साइज तो सेम नहीं है ना। जैसे आपको कभी कभी कोई कहता है, आप कहीं गए रिलेटिव्स के पास, तो आप कहते हैं ना, आप तो आपकी मम्मा जैसे लगते हो, सिमिलर लगते हो, कहते हैं ना कई बार, कहते हैं ये कि पेरेंट्स के साथ आप रिजेंबल करते हो। तो क्या होता है, आपके फीचर सेम होते हैं या फेस कट सेम होता है, साइज थोड़ी सेम होता है। क्या होता है, सिर्फ फीचर्स मिलते होते हैं या फेस की शेप वगैरह सेम होती है, तो वो सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। और जब शेप और साइज दोनों ही सेम हो जाएं, तो वो कॉन्ग्रेंसी बन जाती है, ठीक है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कौन से पेज पे। उसमें ना एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, एक पर्सन है, वो जब वो 10 ईयर का है उसकी एक फोटोग्राफ है, और जब वो पर्सन 40 ईयर का हो गया, वही सेम 10 ईयर वाला पर्सन जब 40 ईयर का हो गया तो उसकी एक फोटोग्राफ है। फीचर्स मिलते होंगे, देख के ये पता चल रहा होगा कि ये सेम पर्सन है, लेकिन साइज थोड़ी सेम होगा, तो वो सिमिलैरिटी का एग्जाम्पल है, कॉन्ग्रेंसी का नहीं है। बुक में लिखा हुआ है ये, मैं आपको बताती हूँ पेज नंबर। काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जब आप उसकी सारी इंट्रोडक्शन रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपको ये क्लियर हो गया। अब इसकी शेप सेम है इसलिए ये सिमिलर है, ठीक है। और अगर इसका साइज भी सेम हो जाए, साइज का मतलब दोनों सर्कल का रेडियस भी सेम हो जाए, इस तरह से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो साइज और शेप दोनों ही सेम हो गई, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये भी किया हुआ है आपने कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर रेडियाई आर सेम, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजरमेंट्स आर सेम, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर्स आर सेम, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ सेम है तो ये कॉन्ग्रेंट है। अगर दो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर दूं, एक रेक्टेंगल छोटा बना दें और एक बड़ा, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनकी शेप सेम है इंस्टेड ऑफ साइज। अब बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब मेन तो डिफरेंस यही था कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी का, उसमें दो कंसेप्ट होते हैं, इसमें एक कंसेप्ट होता है, बस ये लिखा हुआ है आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे। मैं आपको सिमिलैरिटी की जो डेफिनेशन बताऊंगी, बस वो लिखनी है, वैसे बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि लिखने का काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप चैप्टर को रीड करो ज्यादा बार, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सुनो एक मिनट, अब सिमिलैरिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि शेप सेम होती है तो वो सिमिलर का कंसेप्ट है, लेकिन सिमिलैरिटी चेक करने के लिए दो दो कंसेप्ट हैं। अगर वो दोनों कंसेप्ट वेरीफाई होते हैं तो ट्रायंगल या जिसकी भी आप बात करोगे, कोई भी शेप, दो सर्कल, दो क्वाड्रिलेटरल या जिसकी भी कोई भी फिगर, दो रोम्बस या कोई भी चीजों की कोई भी शेप वो आप लेते हो, अगर उसमें दो कंसेप्ट वेरीफाई होते हैं तो ही वो फिगर्स जो है वो सिमिलर होंगे। वो सुन लो क्या है, एक तो दो चीजों में, फर्स्ट चीज है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है वो तो कॉन्ग्रेंसी में भी होता है, आपको पता ही है, जब आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तो उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये कंसेप्ट सेम ही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल या दो कोई भी फिगर सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पक्का इक्वल होंगे। नहीं दे रखे तो आप इक्वल कर सकते हो अगर सिमिलर है तो। दूसरा ये है जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर, वो ये है कि कॉन्ग्रेंसी में आप साइड्स को इक्वल करते थे, जैसे ए बी को डी ई के इक्वल करते थे, बी सी को ई एफ के इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होते, यहाँ रेशो इक्वल होती है। रेशो इक्वल का मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम होगी। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको भी। जैसे इस देखो इधर, अब मैं वैसे ही मैंने कोई दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे ही। मैं अभी कोई मैं मेजरमेंट नहीं लिख रही, लेकिन मेजरमेंट के साथ भी आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे दिए होंगे, ये दे रखा है। अब मैंने आपको क्या दिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हो गया एंगल ए डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। वो डिपेंड करता है रिक्वायर्ड जो गिवन कंडीशन होगी उसके ऊपर, ठीक है। एंगल ये इसके इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है दिया क्या हो, जैसे कॉन्ग्रेंसी में होता था सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉन्ग्रेंसी होती है तो ये साइड इसके इक्वल होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये होता है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इस चैप्टर में, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बस इक्वालिटी नहीं आती यहाँ पर। चीजें एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, उनकी रेशो इक्वल होती है। और रेशो अगर इक्वल होती है तो रेशो तो ऐसे भी हो सकती है कि कटिंग करके 1/2 आ रहा हो, तो हो सकता है ये 3/6 हो सकता है ये 2/4 हो सकता है ये 8/16 हो। अब ये तो नहीं हमें पता, लेकिन बस इतना ही पता है कि इनकी रेशो सेम होती है। अब रेशो सेम होती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। बस फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज पूरी इस कंसेप्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। थ्योरम करेंगे अब इसके बाद। इसमें कुछ पूछना है आपने, मैं आपको इसके अब एग्जांपल देती हूँ थोड़े से। हाँ सर्कल में नहीं ना, ये चीजें ना सारी पॉलीगन के लिए आती है, अब वही बताना था इसके बाद। बैठो, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये कि जो ये कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं आपकी बुक में, मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ, वहां डेफिनेशन में लिखा है कि सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो पॉलीगन पे लगता है। पॉलीगन मींस जो लाइन सेगमेंट से शेप बनी है उसके ऊपर, सर्कल पे नहीं लगेगा, वो कर्व्ड है ना, उसकी लाइन सेगमेंट कहां से लाएंगे, तो सर्कल पे नहीं लगेगा, पॉलीगन पे लगेगा। पेज नंबर देखो कौन सा है, हाँ 119 पे, सबसे बॉटम पे राइट साइड पे दिया हुआ, देखो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड समझ रहे हो आप, मतलब एक थ्री साइड का तो दूसरा भी थ्री साइड का होगा। ये नहीं कि एक थ्री साइड का ले लो और एक फोर साइड का, तो रेशो कैसे लोगे। तो सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन होने चाहिए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। आप बात समझ गए, जो इसने क्वेश्चन पूछा ना, ये पेपर में भी आ सकता है ऐसे ही। फिगर के नेम दिए होंगे, एक सर्कल दिया होगा, तो सर्कल पे अप्लाई नहीं होता ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होता है, जहां पे पॉलीगन होगा, जहां पे लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप होगी वो वाली, ठीक है। जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कोई भी जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप है ये, ठीक है। ये जो डेफिनेशन बताइए ना 119 पेज पे, ये मार्क कर लो, ये लिखनी है नोटबुक पे। अब ये मार्क करवाइए ना, ये स्टेटमेंट लर्न कर लेनी है, हो सकता है एज इट इज ही एमसीक्यू में आ जाए, जैसे वो कल वाला क्वेश्चन था सेम, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवाऊंगी वो अच्छे से, तभी आपको कहते हैं रीड कर लो, रीड कर लेना, खुद हमारे पे डिपेंड नहीं होना, रीड करना है ये। अब एग्जाम्पल थोड़े से दे रहे हैं आपको सिमिलैरिटी चेक करने के लिए। आपको नींद आ रही है, मैं लोरी गा रही हूँ, अभी मैं 2 मिनट और बोलूंगी ना आप सो जाओगे, इधर होके बैठो वो देखो। हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब तो मेरे को लगता है 15 दिन उठोगे नहीं इसके बाद। एग्जाम्पल देखो पेज नंबर
अच्छा ये जो आपको बताया ना, ये सारा कुछ गिवन है, ये देखो यहाँ पर कि सर्कल जो है ये सारे सिमिलर हैं, पेज नंबर 118 पे गिवन है, ये सारे सर्कल सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है, ये स्क्वायर सिमिलर हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा क्या एक सर्कल और एक पैरेललोग्राम सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि तो शेप सेम नहीं है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे ये मार्क कर लो, ये भी रीड कर लेना, पेज नंबर 118 पे लास्ट टू पैराग्राफ ये रीड कर लेना, बस स्टार्टिंग की थोड़ी सी लाइन है, तीन चार। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो कॉन्ग्रेंसी है वो वाइडर कंसेप्ट है और सिमिलैरिटी नैरो कंसेप्ट है, तो जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट होंगी? जितनी भी सिमिलर फिगर्स है सारी वो कॉन्ग्रेंट होंगी? नो, लेकिन जितनी भी कॉन्ग्रेंट है वो सारी सिमिलर जरूर है, क्योंकि आप बात समझ रहे हो, क्योंकि जो वाइडर कंसेप्ट है उसमें दोनों है, तो वो छोटे वाली चीज बन सकती है, लेकिन छोटे वाली जिसके पास एक क्वालिटी है वो बड़ी चीज कैसे बन सकती है? क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। क्लियर है? ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी पता है आपको, ये भी आपने सुना होगा, जब कोई दो चीजें कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनका एरिया सेम होता है, होता है ना? क्यों होता है? दो चीजें सेम है, सेम शेप है, साइज भी सेम है, तो एरिया क्या आएगा? सेम। लेकिन अगर दो चीजों का एरिया सेम है, दो चीजें पता नहीं कौन सी है, चाहे एक सर्कल हो या कुछ भी हो, हमें नहीं पता, दो शेप है, दो फिगर है जिनका एरिया सेम है, क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगी? नहीं, क्योंकि पता नहीं ना क्या है, हो सकता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलिस हो, एक स्केलिन हो, हमें क्या पता, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग ये है कि फिगर का एरिया सेम हो सकता है, बट एरिया का मीनिंग ये नहीं है कि वो फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रेंट भी होंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये तो पुराना कंसेप्ट ही है लेकिन रिकॉल करना जरूरी होता है, क्योंकि ये दोबारा नहीं लिखा हुआ इसमें कहीं पर भी। अच्छा डेफिनेशन लिख लेना 119 पेज पे जो गिवन है, और जो आपको ये 118 पे जो चीजें बताई है ये लिख लेना, कॉन्ग्रेंट वाली जो बताई है, ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, ये लिख लेना रिमार्क में, नोट करके लिख लेना। ये जो मैंने आपको फोटोग्राफ वाला एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 119 पे, जहाँ ताजमहल की पिक बनी है उसके नीचे एक दिया हुआ है, देखो सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, रीड कर लो, वॉट कैन यू से अबाउट में दिया हुआ है, रीड कर रहे हो सारश? करो, रीड करो, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ बोलो। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब देखो फोटोग्राफ का साइज सेम है लेकिन जो उसमें पर्सन है वो तो उसका साइज तो सेम नहीं होगा ना, जब वो 10 साल का था और 40 ईयर का है तो वो सिमिलर नहीं है, पर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कोई भी एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। इतने खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा ये ठीक है, ये भी सेम ही है, ये एग्जाम्पल देखो पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 121 पे ये 1.5 है, 105, ये 100, 70, 84, सॉरी 85, 2.4, 2.1, 2.5, और ये बड़ी फिगर यहाँ दे रखी है इस तरह से 4.2, 4.8, 85, 70, 105, 100, 3 और ये 5, ये 4.2, ठीक है ये दिया हुआ। अब ये आपसे पूछ रहे हैं ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर की दो कंडीशन है, साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए और एंगल सारे सेम होने चाहिए। एंगल देखो 85, 85, 70, 70, 105, 100, सेम एंगल, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर एक कंडीशन वेरीफाई होती है तो, अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई होती है तो ही फिगर सिमिलर होंगी, अदरवाइज नहीं। ये भी लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे कि अगर दोनों में से इधर वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द फिगर्स विल नॉट बी सिमिलर। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ, मैं दिखाती हूँ अभी आपको,
तो दोनों कंडीशन, दो ही कंडीशन है, दोनों वेरीफाई होनी चाहिए, तभी ट्राइंगल या कोई भी शेप सिमिलर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इधर देखो इसकी रेशियो देखो, 2.4/4.8, नेक्स्ट है 2.1/4.2, नेक्स्ट इज 1.5/3, एंड देन लास्ट इज 2.5/5। सबका आंसर देखो क्या आ रहा है, 1/2। सबकी रेशियोज का आंसर क्या आ रहा है, 1/2। तो रेशियो सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की, एंगल सेम है, तो फिगर्स क्या होगी, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होगी। इस चैप्टर में ना एक या दो क्वेश्चन है जो कॉन्ग्रेंसी के हैं, बाकी सारा सिमिलैरिटी है। अगर कभी मैं गलती से कॉन्ग्रेंसी बोलूं भी सही, तो वो सिमिलैरिटी की बात है, क्योंकि पूरा चैप्टर है ही सिमिलर पे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां कॉन्ग्रेंसी दी हुई है, वो अलग है, बाकी सब जगह सिमिलैरिटी का ही कंसेप्ट है। जहां रेशियो की बात करनी, एक्चुअली सिमिलर है इसलिए रेशियो है, और रेशियो है तो ट्रायंगल सिमिलर है, या जो भी फिगर है वो सिमिलर है। रेशियो के बिना तो कोई बात ही नहीं कर सकते। अगर एंगल सेम भी है लेकिन रेशियो नहीं सेम, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। देखने में लग रहा है सिमिलर है पर है नहीं, चेक करो एंगल, चेक करो नेक्स्ट एग्जाम्पल के, इसी के नीचे दिया हुआ है, इसी के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो स्क्वेयर गिवन है, एक रेक्टेंगल है। अब स्क्वेयर है और रेक्टेंगल है तो सेम नहीं होंगे, एंगल जरूर सेम होंगे, ये 90 90 3 3 3.5 3.3। यहाँ देखो अब एंगल सेम तो है, क्योंकि स्क्वेयर और रेक्टेंगल के एंगल सेम होते हैं, लेकिन रेशियो चेक करी जाए, 3/3.5, ये 3/3, यही दोनों सेम नहीं आ रहे, तो आगे क्या है, ध्यान नहीं है, नहीं है। इसकी कटिंग करके सेम नहीं आएंगे, क्योंकि तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, सेम नहीं है, तो सिमिलर नहीं होंगे। एंगल सेम है तब भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जो पिछली वाली फिगर थी ना, वो देखने में आपने एक चीज नोट करी, एक फिगर छोटी थी और एक बड़ी थी, लेकिन साइड्स की रेशियो सेम थी इसलिए वो सिमिलर थे। क्या वो दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट भी थी? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए साइड्स शुड बी सेम, साइड्स सेम नहीं थी इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये जो आपको बताया है इसका एक और एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। देखो इधर सारी साइड्स की रेशियो सेम है, देखो 2.1/4.2, 2.1/4.2 रेशियो जो है वो सेम आएगी, लेकिन एंगल सेम, क्योंकि ये स्क्वेयर है, इसकी एंगल 90 है और इसका एक एक एंगल एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है, तो एंगल सेम नहीं है लेकिन रेशियो सेम है, तो फिगर्स सिमिलर। लिखा हुआ ये लाइन रीड कर लो जरा, इस यही वाली लाइन की बात कर रहे थे, इसके नीचे दिया हुआ ना रिजल्ट, रीड कर लो। कहता है अगर ईदर ऑफ द वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द फिगर्स विल नॉट बी सिमिलर। सिमिलर देखने में शेप तो सेम है ना, जिसकी शेप सेम होती है वो सारी चीजें सिमिलर होती है। जैसे मैंने एक छोटा सर्कल बनाया था, एक बड़ा, ऐसे ही छोटा स्क्वायर बना दो, शेप सेम है ना, तो ये सारे सिमिलर, जितने भी स्क्वायर होंगे सारे सिमिलर होंगे, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे सारे सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रेंट बिना रेशो दी नहीं हुई ना, आपको ये कह रहा है एक्चुअली स्क्वेयर है ना, तो स्क्वेयर की साइड जो मर्जी है, सपोज करो इसकी 1 1 साइड है, इसकी 2.5 है, तो रेशो तो सेम ही आएगी ना सबके साथ, इसको 5 5 ले लो तो रेशो तो सेम ही आएगी, 1/5 1/5 जो मर्जी ले लो। तो जितने भी सर्कल्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे सारे सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिमिलर है, किसी और के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो वो सिमिलर तो सारे होंगे ना, जितने भी स्क्वेयर हैं, जितने भी पैरेललोग्राम हैं, जितने भी रेक्टेंगल हैं, सारे होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करो 6.1, बस ये फिलअप्स ही है इसमें तो। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट यही है, बोलो छे अंक रीड करो जरा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सेकंड ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, अभी बनाया आपके सामने ये। हाँ चलो सारे वही आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
ठीक है, सारे पैरलोग्राम्स भी सिमिलर होंगे, सारे सर्कल्स भी सिमिलर होंगे, स्क्वेयर रेक्टेंगल काइट्स बना दो बहुत सारी, सारी सिमिलर होंगी। ठीक है, आगे ये क्या है, ये जो रीड कर रहे हैं ये, अभी देखो आपके सामने फोर्थ पार्ट, ये क्या है, ये वही डेफिनेशन ही है जो अभी हमने पेज नंबर 119 पे मार्क करी है। अभी बताया था ना, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ही लिखना है या सेम रेशियो लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन देख लेना। क्लियर है, ये वही डेफिनेशन ही है यहाँ पे जो दी हुई है। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। एग्जाम्पल दो, कहता दो दो सर्कल्स दे दो, स्क्वायर दे दो, रेक्टेंगल दे दो, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपने बस ऐसे एग्जाम्पल ही लिखना है, ये एक्सरसाइज तो रहने देना, बुक में ही ऐसे हो गया बस यहीं पे। जो डेफिनेशन बताई है और जो वो कॉन्ग्रेंसी का सिमिलैरिटी के साथ एक बताया ना कन्वर्स वाला, वो लिख लेना, और एक्सरसाइज थ्योरम करनी है इसके बाद जो आएगी। हाँ जी, टू नॉन सिमिलर फिगर्स, एक सर्कल एक स्क्वेयर, एक सर्कल एक स्क्वेयर के साथ एक रेक्टेंगल, एक काइट के साथ एक पैरेललोग्राम, कुछ भी दे दो, फिर तो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर नहीं, नॉन सिमिलर चाहिए, कोई भी दे दो, एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल दे दो, कोई भी दे दो, कुछ भी, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दो, एक काइट दे दो, कुछ भी दे दो साथ में। हाँ जी, थर्ड थर्ड कौन एक्सप्लेन करेगा कि सिमिलर है कि नहीं, क्या कंडीशन है तरुणदीप सिमिलर के लिए? ये तो बड़ी सिम ये तो सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है वैसे, मैथमेटिकली हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। चेक करो सेम है कि नहीं, पहले तो एंगल ही नहीं सेम है तो बस खत्म हो गया, फिर कुछ और चेक ही नहीं करना। एक ही एंगल्स 90 है, दूसरे के अलग एंगल, तो एंगल्स ही डिफरेंट है, तो आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, खत्म हो गया, नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन, वो जो थ्योरम है ना वो समझा देती हूँ, आप प्रूफ जो है ना, है हाँ, बीपीटी, एक और नेम है इसका, थेल्स थ्योरम, बुक में नहीं लिखा हुआ इसका नेम है, लिखा हुआ है कहाँ, ऊपर मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। हाँ जी, बीपीटी का पूरा नेम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, इसी में आ रहा है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब प्रोपोर्शनल, साइड्स की रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ देखो, अब ये थ्योरम ना जब भी जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था आ जाती थी पेपर में, ये इसके आगे अभी पाइथागोरस थ्योरम आएगी, इसका कन्वर्स आएगा, सीधा ही ऐसे आता था फोर नंबर में, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो पहले ऐसे ही आ जाता था डायरेक्ट, और साथ में एक क्वेश्चन अटैच होके आ जाता था वन नंबर में, और एक आधा क्वेश्चन अलग आ जाता। पर अब तो आपके लिए इजी हो गया क्योंकि अब आपने प्रूफ नहीं है, बस स्टेटमेंट्स करनी है, वरना बहुत काम है इस चैप्टर में। जब अभी आप अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज भी आपको इजी लगेगी, जब हम थर्ड फोर्थ पे पहुंचेंगे ना उसके बाद ऐसा लगेगा कि आता आया ये कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तो बहुत काम है। अभी तो थ्योरम्स नहीं है, थ्योरम के प्रूफ भी लर्न करने पड़ने थे, अब वो नहीं है तो बस स्टेटमेंट्स करनी है अच्छे से, इतना तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पहले भी एवरेज भी होते थे वो चैप्टर नहीं कर पाते थे क्योंकि काम बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसलिए बस आप स्टेटमेंट अच्छे से कर लो और अपने आप को मीनिंग एक्सप्लेन कर लेना कि कोई भी फिगर में अगर ये दिया हो तो उसका क्या रिजल्ट बनता है, बस इतना ही करना है, अब आपका यही काम है। सुनो, इधर बीपीटी का दूसरा नेम है थेल्स थ्योरम, और नेक्स्ट एक और जो पूरा नेम है उसकी फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या कहता है, एक ट्राइंगल अगर है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, प्रूफ सारा बुक से करना है, सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बहुत इजी दिया हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है, एज इट इज कर लेना है आपने। ट्रायंगल का नेम एबीसी है, आपको कहता है यहाँ पे एक लाइन है जो थर्ड साइड के पैरलर है, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरलर टू द थर्ड साइड दैट बाइसेक्ट द अनदर टू साइड इन द सेम रेशियो। आपने ये शो करना है कि ये जो डीई लाइन है ये एबी को और एसी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब तो प्रोपोर्शनल बना रही है, क्या
एडी अपॉन बीडी, बीबी इक्वल टू एई अपॉन, ये शो करना है ठीक है। लेकिन दिया क्या हुआ है, दिया सिर्फ इतना ही हुआ है कि ये लाइन जो है इसको यहाँ डिवाइड कर रही है, कैसे डिवाइड कर रही है ये भी नहीं पता, बाइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट, कुछ नहीं पता, बस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है, और ये लाइन इसके पैरलर है, बस यही गिवन है, ये लाइन इसके पैरलर। इसका मतलब बीपीटी की नेसेसरी कंडीशन ये हो गई कि जब किसी ट्रायंगल में एक साइड पैरलर होती है तो साइड्स की रेशो सेम होती है, ठीक है आप समझ गए। एक ही कंडीशन है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड थर्ड वाली साइड के पैरलर दे रखी है तो जो रिमेनिंग टू साइड होगी वो इक्वल रेशो में डिवाइड होगी। मेन रिजल्ट ये लर्न करना है आपने, और ये रिजल्ट पूरी एक्सरसाइज टू में यूज होने वाला है, हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है ठीक है। जहां पर भी पैरलर का कंसेप्ट है वहां बीपीटी लगेगी, क्लियर। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, कहता है अगर रेशो इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी, ये मिडल वाली लाइन थर्ड साइड के पैरलर होगी, और अगर ये मिडल वाली लाइन इसके पैरलर है तो रेशो इक्वल होगी, रेशो इक्वल है तो ये इसके पैरलर होगी। बस इतना ही है, एक स्टेटमेंट है और एक इसका कन्वर्स है। अब प्रूव करना कैसे है, इधर देखो ये रिजल्ट लाना है, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है वो देखो, इधर आपने इसको ज्वाइन कर देना है। अब पहले ये कंसेप्ट सुन लो, आपने लास्ट क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर नहीं किया, नहीं किया ना, डिलीट था ना, ये उसका रिजल्ट है। अब सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो इधर, ये रिजल्ट जो मैं बताने वाली हूँ ना इजी है, कोई जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये काफी जगह यूज होगा चैप्टर में। अगर दो साइड पैरलर है, मैंने ऐसी बना दी रफ, इसके बीच में दो ट्रायंगल बना दो तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस है ना, बिटवीन द सेम पैरलर लाइन आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरलर लाइन आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया, ठीक है। क्यों इक्वल एरिया होगा ये बता सकते हो, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो डिस्टेंस सेम है, बेस सेम है, तो सेम ही होंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस, तो बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो सेम ही होंगे। अब ऐसी एक और बात है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया ना, ऐसी इसकी जगह दो पैरेललोग्राम भी आ सकते हैं, ये भी लास्ट क्लास का ही रिजल्ट है जो आपने नहीं किया हुआ, डिलीट हो गया था इसलिए नहीं किया। ऐसे ये दो पैरेललोग्राम बनाए हैं मैंने, इनका बेस सेम है, देखो एक पैरेललोग्राम ये है और एक पैरेललोग्राम ये, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है क्लियर, यही रिजल्ट। अब यहाँ पे भी तो यही है, ये दो लाइन क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला और दूसरा ये वाला, बन रहे हैं ना दो ट्रायंगल, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर टच कर रहे हैं और दोनों का बेस डी ही सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, ये कंसेप्ट यूज करेंगे लास्ट में, दिया हुआ है बुक में, लास्ट में मतलब इस थ्योरम का जहां एंड हो रहा है ना लास्ट में यूज होना है, लेकिन मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि ये पहले वाला कंसेप्ट है तो जरूरी था बताना ये, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, आप क्या लिखोगे, टू ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग सेम बेस आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है तो दोनों की रेशियो क्या होगी, दोनों के एरिया की रेशियो क्या होगी, 1:1, ठीक है क्लियर है। दो चीजें जब इक्वल होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है, एरिया अगर इक्वल होता है इसका मतलब कि वो कॉन्ग्रेंसी जैसा हो गया, ठीक है। वैसे श्योर नहीं है कॉन्ग्रेंसी है या नहीं, बट उनका अगर एरिया सेम है तो जब आप डिवाइड में ले जाओगे तो रेशियो 1:1 आएगी। ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है 1:1, ये अगली एक्सरसाइज में आएगा अभी, ठीक है। अब देखो चलो ये हो जाएगा पूरा, देख लो इधर। अब एक कंस्ट्रक्शन तो करी नीचे, दोनों के डायगोनल्स पे ज्वाइन कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, वो ये है कि ऊपर परपेंडिकुलर बनानी है। पहले मैं एक बनाती हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा नहीं तो टाइट हो जाएगी फिगर, ये बना दिया मैंने एक परपेंडिकुलर EF, ठीक है ये बना दिया। अब यहां देखो क्या करना है, इसमें ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट, जहां हाइट बनती है वही बेस लेते हैं, तो इस ट्रायंगल मैं रेशियो ले रही हूं इस ट्रायंगल की अपॉन इसके साथ। एक्चुअली हम ये क्यों कर रहे हैं, यहां देखो
आपको चाहिए एडी अपॉन बीडी, एडी किसका पार्ट है ऊपर वाले ट्रायंगल का, और बीडी किसका पार्ट है, बी डी ई का। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगी बी डी ई, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, की बेस है एडी, इंटू हाइट ए ई एफ अपॉन, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इसका इस ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे डी ई और हाइट ये, क्योंकि ये सेम है ना, आपको ये पता है ना कि जब भी हम कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर आप कहीं पर भी बना सकते हो, फिगर के अंदर भी फिगर के बाहर भी, सेम वे में ट्रायंगल ये है लेकिन ये बेस बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू बेस बी डी इंटू ई एफ, ठीक है, ये क्लियर है, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो पूछ लो। हमने क्या किया है, ट्रायंगल पहले ऊपर वाला लिया, इसमें ले लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें ले लिया हाफ इंटू, जय आदित्य इधर देखो, बेस बी डी हाइट ई एफ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका एरिया की रेशियो क्या आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब मैं ये रब कर देती हूँ, अब एक परपेंडिकुलर इधर बना देते हैं, अब हमें दूसरी रेशो क्या चाहिए, ए अपॉन ई सी, तो अब ट्रायंगल लेंगे इधर वाले ए डी ई अपॉन दूसरा ट्रायंगल सी डी ई, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस हाइट जी दे दे, कुछ भी दे दो आपके डी जी, इसका एरिया हाफ इंटू बेस सी हाइट डी जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया, बस एक मिनट सुन लो, खत्म होने वाला। अब यहां देखो, इस ट्रायंगल की रेशियो भी आ गई, इस ट्रायंगल की रेशियो भी आ गई, अब यहां देखो जरा ध्यान से, आपने इन दोनों को इक्वल करना है, आंसर में चेक करो, दोनों को इक्वल करना है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी, राइट साइड कब इक्वल होगी, जब इन दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं, राइट साइड को इक्वल करना है तो पहले लेफ्ट को देखना पड़ेगा। अब यहां देखो, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, क्यों, हां जी, दो ट्रायंगल हैं डी बी डी ई और सी डी ई, दो ट्रायंगल हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का एरिया क्या होगा, सेम, तो टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, तो ये सेम हो गया, न्यूमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल, अगर ये इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, बस ये जो जितना भी मैंने कुछ बोला है ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, सारी थ्योरम एज इट इज कॉपी करनी है अपनी फेयर नोटबुक पे, आज का होमवर्क है, सिमिलैरिटी की डेफिनेशन, कॉन्ग्रेंसी वाला कंसेप्ट विद वन थ्योरम, बस इतना ही काम है आज का।